बहुत बढ़िया मशीन है, इससे हाई एंड तो कुछ है नहीं। ये तो ये देखो क्या हो गया, ये कहीं गिर गए। तो गाइस क्या आप भी BGMI टूर्नामेंट खेल के 5 लाख रुपए डेली कमाना चाहते हो और ऐसा पीसी बनवाना चाहते हो? ए भाई बदल भाई 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 मेरा भाई। तो गाइस इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग पे 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है और गाइस ये 10 करोड़ की विनिंग्स बांट चुके हैं अभी लोगों में। गाइस इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें आपको काफी सारे BGMI के टूर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं और गाइस यहाँ पे 0 वेटिंग टाइम है, आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे आपको कोई कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करना है, बस अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो जैसे कि रोज खेलते हो और सो स्ट्रॉन्ग आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। और गाइस यहाँ से BGMI खेल के पैसे जीतना 100% गारंटेड है, ये मैंने खुद भी ट्राई किया, आप लोग देख ही सकते हो, रिजल्ट आपके सामने है, मेरा गेमिंग सेटअप जो आपको अभी देखने को मिलेगा। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और आपको साइन अप बोनस 600 रुपए इमीडिएटली वही मिल जाएगा, जिससे आप फ्री में टूर्नामेंट खेल के पैसे जीत सकते हो। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि आप फोन पे गूगल पे पेटीएम UPI के थ्रू इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ। तो गाइस देर किस बात की है, फटाफट से डाउनलोड करो सो स्ट्रॉन्ग और जीतो 5 लाख डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है गाइस, मेरी गारंटी है ऐसा पीसी आपके पास भी होगा। गाइस फाइनली हमारा ब्लॉग आज आने वाला है और हम जा रहे हैं पीसी बनवाने के लिए, ये मेरे गेमिंग रूम सेटअप के लिए। देखो हेडफोन तो नए आ चुके हैं लेकिन ये पीसी इनका लोड नहीं उठा पा रहा है, ना कि इस फोन का भी नहीं, और एलगाटो कहाँ है, वो रहा एलगाटो कहीं तो साइड में, उसका लोड भी नहीं उठा पा रहा है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा पीसी बनवा के आते हैं, और बाकी फिर गुरु जी भी शायद आएगा और रेडॉक्स भी आ रहा होगा, तो चलो चलते हैं। क्लैश हो जाएगा, क्लैश क्या, क्लैश हो जाएगा, क्लैश नहीं, अगर गुरुजी आएगा तो रेडॉक्स नहीं आएगा, रेडॉक्स आएगा तो गुरुजी नहीं आएगा, गुरुजी फोन ही नहीं उठा रहा। जिम जा रहा है क्या? हाँ जिम तो जा रहा है, इसीलिए मोटा हो रहा है। हाँ पहले मोटे होते हैं फिर पचकते हैं। पचक नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वो सही कर रहा है, सही जा रहा है। एक बार मेरा वेट बढ़ता है हमेशा, जिम बढ़ता है, वेट कम तोड़ने के लिए एक बार हमेशा बढ़ता है। हाँ जो जिम जाएगा उसका बढ़ता है, पहले घटता है। गुरु मानो ना आप लोग, सही है, नहीं पहले भी देखा था मैंने, जब मैंने पिछली बार तोड़ा था वेट तो। अरे बिल्कुल सही बात है, तुम लोग गलत थोड़ी हो, मैं जा रहा हूँ मैं पीसी बनवाने। वो अपना एलगाटो जो हिल रहा है उसको ले आना, दूसरा नया। एलगाटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो पीसी बनवा रहा हूँ। एलगाटो हिले हिले होता रहता है, एलगाटो को तो गाली पड़ती है सबसे ज्यादा। तो आशीर्वाद दो ताकि बढ़िया बन जाए। बढ़िया ही बनेगा भाई, बढ़िया ही बनेगा, बढ़िया बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, 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 ना बढ़िया एकदम मस्त बनेगा। क्या बात है, पीसी बनवाने आए थे, ये देखो क्या हो गया, ये कहीं गिर गए और अब ढूंढने जा रहे हैं उन्हें। भाई ये क्या स्कैम है यार, ये बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा गाइस, अभी के अभी दोबारा जा रहे हैं भाई, मिल जाएंगे बस टूट ना जाए। दिमाग खराब हो रहा है, इतने नए नए एयरपोर्ट्स ना गिर गए हैं, अब इसका मैं क्या करूं, इसे लटका के कहां घूमूं, अगर नहीं मिले ना भाई मूड खराब हो जाएगा, और मिल गए तो भाई इसकी क्वालिटी जो है ना, तो फिर तो कोई मतलब एप्पल बाप फिर, ठीक है चलो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, नुकसान होता है या मिल जाते हैं या टूटे फूटे मिलते हैं, देख लेते हैं। गुरुजी तो पहुंच गए पीसी बनवाने के लिए नेहरू प्लेस, हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। परेशान हो गए, मूड खराब हो रहा है, मिल रहे नहीं है, दिखा कहाँ पे दिखा रही है लोकेशन, यहाँ पे आए थे ना, टूट गया भी है। गाड़ी चढ़ा गाइस, मस्त वाला नुकसान हो चुका है, एक तो उठा के वही फेंक दिया, दूसरा मिला ही नहीं, ठीक है फेंक दिया, वो टूट गया था तो समझ में आ गया कि दूसरा वाला भी टूट गया है, तभी उसकी लोकेशन फाइंड नहीं हो रही। अब एक तो मिल गया था, अब खाली डब्बा है, लेके जा रहा हूँ भाई, इतना बुरा लग रहा है ना कि अभी पैसे खर्च होंगे पीसी बनवाने में,
और अभी ये 10 दिन नहीं हुए थे यार लिए हुए, और एक तो इतने महंगे आते हैं ये, पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसका ज्यादा हो गया मेरे से क्योंकि यही लेके आया था मेरे लिए। चलो अब चल रहे हैं, लास्ट में भाई चल। और एक चीज और बता रहा हूँ, रेडॉक्स और गुरुजी की जिनको पता है बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को बताया नहीं है, रेडॉक्स भी आ रहा है और गुरुजी भी आ रहा है, और दोनों को ही नहीं पता है। तो चलो अब ये जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पीसी बनवाते हैं, एंजॉय करते हैं। आंसू दिख रहे हैं क्या मेरे? हो चुका है सैड बिल्कुल, धीरे धीरे चल रहा है। मैं अबे जल्दी आ, वो कहाँ पे है रेडॉक्स? नहीं कही बात? हाँ करना, पूछ कहाँ पे, वो तो नहीं है रेडॉक्स, फोन करना भाई। गुरुजी तो आने वाला होगा, रेडॉक्स को पहले बुला ले भाई, गुरुजी से दोनों का कवि सम्मेलन देखेंगे। रेडॉक्स को तो बता दिया हमने, गुरुजी बात नहीं कर रहा है। पारस सिनेमा बोल, जहाँ पे पार्किंग के पास था तू, क्या आगे बोल, ठेके के पास वो आ गया गाइस। गुरुजी आ जाने दे, बताइयो मत अभी, वो आ रहा है क्या कर रहा है, क्या पिकता हुआ आ रहा है भाई। इसका कैमरा क्या लाजवाब है यार, 10x पे भी देखो कितनी अच्छी क्वालिटी ले रहा है यार। और भाई हेलो हेलो सर, भाई यार नुकसान हो गया यार, भाई क्या नुकसान हो गया भाई, क्या फोन लग रहा है यार ये, है ना, कैमरा भी बहुत अच्छा है, वैसे तो ये मतलब रुको, ये कवर टाइट था भाई, दिमाग में ही नहीं आया, घर पे निकलते टाइम बेल टूटी थी, तभी समझ जाना चाहिए था कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये यहाँ टकरा के ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे ऐसे होते होते ये ऐसे खुल गया है कहीं, और वहीं पे ही घर के पास ही गिर गया। फिर फायदा क्या है बहन, सिर्फ बोला है कि रेडॉक्स है वो, देखो वो अब जल चलियो तो जाके पीछे से कुछ करियो हरकत, जा सीधा सीधा चला गया, अब जाना 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 जाना, नहीं नहीं हाय नहीं, हरकत कर हरकत कर, मैं कह रहा हूँ ना हरकत कर, माचो देख लिया, अब देख लो बहन टाइम पास कर रहा भाई, देख बदबू आ रही है ना तेरे को, इसीलिए बोल रहा तू। हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस में, ये बजाज, क्या बजाज कौन सा है, बजाज हाउस है भाई ने यार इतना बढ़िया पीसी बना के दिया है ना, इस बार इस जगह से करवा रहा हूँ, हर बार आप लोगों ने देखा था कहीं और से करवाता था, लेकिन बेस्ट प्राइस रेंज में इन्होंने जो बना के अभी देंगे ना, ये 2,55,000 का पूरा बन के तैयार हो रहा है। अभी जब ये बन के रेडी होगा आप लोगों को दिखाऊंगा और सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें डल क्या क्या रहा है, ठीक है, इतने में इतने रुपयों में डल क्या क्या रहा है इसमें, सब बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। और ये गाइस सिर्फ पीसी बनवाया मैंने, बाकी सारी चीजें मेरे पास थी, सिर्फ और सिर्फ पीसी। गाइस प्लान में आ चुके हैं काफी ज्यादा चेंजेस, तो अभी जा रहे हैं एप्पल स्टोर और वहां से अपने एयरबड्स जो कल खोए थे उनका कुछ जुगाड़ ढूंढने जा रहे हैं, और पीसी अब नेक्स्ट लेवल है। अभी कल जो हम बनवा रहे थे अच्छा हुआ कल नहीं बनवाया, जो होता है अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम लोग पीसी देखोगे, अब मन का पीसी है, अब मन का पूरा पीसी है और दिमाग खराब हो जाएगा देख के, बस ऐसा है। चलो बनने दो, हम जब तक एप्पल स्टोर चलते हैं, एक दोस्त है मेरी उनसे मिल के आते हैं। एयरपोर्ट्स का तो जुगाड़ हुआ नहीं, लेकिन एक बार चेयर पे तू बैठ, अभी मैं ये दिखाऊंगा नहीं ये कैसा दिखता है, ये फाइनल लुक दिखाऊंगा, बैठ जा, बैठ चेयर पे बैठ, उस पे मत बैठ। तो गाइज अब आप इससे अंदाजा लगा लो ये कितना बड़ा होने वाला है, बस इससे अंदाजा लगा लो, ठीक है। इसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा, इसमें जो पार्ट्स हैं ये डलेंगे, अभी भैया एक्सप्लेन भी कर देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, सारी चीजें बता देंगे क्या क्या पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है। यहाँ पे व्हाइट शूज क्लीन करवा रहे हैं, भाई ने रोक लिया था, मैंने बोला चले जाओ कोई बात नहीं नहीं करवाने, लेकिन फिर हम वापस आ गए कि चलो करवा ही लेते हैं शूज क्लीन।
देखते कैसे करके देते, कहते कि अगर हो गए तो पैसे देना, नहीं तो मत देना। तो भाई जूते कुछ इस टाइप से हुए हैं साहब, ठीक है साहब। तुम लोग खुद ही बताओ कंपैरिजन करके, भाई ने 120 रुपए मांगे थे, मैंने 100 रुपए करवाए, अब उस हिसाब से साफ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं जैसे पहले थे? तुम बताओ भाई कैसे लग रहे हैं? भाई मेरे हिसाब से तो बढ़िया साफ हो गए। बढ़िया साफ हो गए, हाँ जी ठीक है। और भैया जी हेलो, आप जो भी हो ठीक है, अगर ये सही साफ हुआ है तो मुझे बताना ठीक है, अगर गलत साफ हुआ है भाई की डीपी देख भाई क्या खतरनाक बना रखे, ये तो तुम हो ही नहीं डीपी। अरे वो मैं हूँ ही नहीं, स्मार्ट है। 50 रुपए, 100 रुपए, हाँ। अरे 100 रुपए चलने हैं ना, हो गए पूछ लो, दिखा दो एक बार, नहीं तुम कॉल करके पूछ लो, कॉल कर 200 रुपये आपने, तो बात तो 100 टू थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश बोल रहा चलो अभी भाई, आप दूर मत रहो, टाइट टाइट क्यों कर रहा भाई, यार ऐसे ग्रिप नहीं बन रही बढ़िया। अच्छा तुम क्यों आ गए? मेरे को ऐसे ही भाई, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तू उस साइड जाएगा तभी कंफर्टेबल, वो तेरी बेस्ट पोजीशन है, नहीं तू इस साइड। अब ये है बेस्ट भाई, वो उसमें भी ऐसे था, उधर जा उधर उधर उधर, हाँ रुक जा भाई, अभी 1 2 3 स्टार्ट तो करने दो, मैं रख रही हूँ भाई, हाथ छोड़ो भी नहीं यार, नहीं हाथ पकड़ दो, 1 2 3 भाई क्या मार रही है भाई, हारे नहीं भाई, तो भाई इतना बुरा मारा है ना, मैं लेफ्ट ही हूँ भाई, मैं लेफ्ट ही हूँ, उल्टा मेरा कंधा भाई, आराम से प्लीज भाई, उधर जाओ ऐसे भाई, प्लीज आराम से करना यार, 1 2 3 भाई छोड़ दो भाई, कोई तो छोड़ दो भाई प्लीज, अब भाई मैं नहीं देख पाऊंगा भाई कसम से, हो गया भाई हो गया। तो गाइज यहाँ पे मिल चुके हैं फैन, पीसी बनवाने आए थे, देखा था मैंने आपको, बस आपने काम में बिजी था, मैं भी अच्छा मिल नहीं पाया, कोई बात नहीं, देखा था मैं जल्दी भी निकल चुका था, कोई बात नहीं। अच्छा आप ही बोल रहे थे ना उनसे कि मैं इन्हें जानता हूँ, हाँ रात में, ओके ओके, आपका नाम क्या देखता है, हाँ आपका नाम क्या भाई? सोहन। सोहन चलो बढ़िया लगा भाई सोहन आपसे मिल के, चलो थैंक यू भाई, गाने भाई के गाने भी सुनते हैं गाइस, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको जुखाम भी हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हमारा तीसरा दिन हो रहा है कि पीसी लेने जाना पड़ रहा है हमें, बहुत सारी दिक्कत आई थी वो बताऊंगा मैं आपको एंड में, लेकिन एक खुशखबरी भी है कि हमारी चेयर भी गाइस आज ही आ रही है, 8 तारीख को आनी थी लेकिन चेयर भी आज ही आ रही है। तो चलो सबसे पहले अपना पीसी जो बन गया है, उन्होंने बोला था कि आपके घर भिजवा देंगे, मैंने कहा नहीं हम आके खुद लेके जाएंगे, तो चलो चलते हैं सीधा नेहरू प्लेस और लेके आते हैं अपना पीसी और देख के दिमाग खराब। हाँ जी सर बताइए, सर ये आप डिस्प्ले कीजिए, MSI का मदरबोर्ड है, Z790 Tomoc Max Wi-Fi जी, इंटेल i9 है 14900K जी, 32GB रैम आ रही है, हाँ रैम की स्पीड है आपकी 6000 MHz जी, ये XPG की 2TB की आपकी NVMe आ रही है जी, एंड ये WD की आपकी 2TB की हार्ड ड्राइव जी, ठीक है विंडोज डाल दिए जी एंड ड्राइवर्स डाल दिए, विंडोज 10 प्रो जी और सारे अपडेटेड ड्राइवर्स जी, 11 प्रो। कुल मिला के सर है कैसा ये आपके हिसाब से? सर बहुत बढ़िया मशीन है, इससे हाई एंड तो कुछ है नहीं,
बढ़िया है ना, मतलब लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सारी एडिटिंग से लेकर सारी ओके रिपोर्ट है। 4070 आपका कार्ड है टीआई जी, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या सर? मेरा गौरव। गौरव, थैंक यू सो मच सर। चलो तो गाइज, अभी तो कैबिनेट अब ले जाने वाला काम है, अब रेडॉक्स भी आ गया है, तो रेडॉक्स भाई कह रहे हैं कैब में ले जाओ उसे। भाई कितना ही बड़ा होगा भाई, इतना होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ ठीक है, चलो अभी रेडॉक्स को दिखाते हैं कितना बड़ा है। ये आ जाएगा कैब में भाई? आ जाएगा। अच्छा ये सीट कितनी बड़ी होती है भाई? सीट तो गाड़ी भी तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन घुसेगा कैसे गेट के अंदर ये बताओ आप। घुस जाएगा सर? कितने की लगाएगा? चल ठीक है, अपन वही है, ठीक है चल लगा रहा ना। ठीक है सर, तो कम से कम 1000 की लगा, कैब भी तो करनी पड़ेगी हैं। 1000 की लगा कम से कम, तो उसमें कैब भी तो करनी होगी, उसके पैसे जब वो वापस जाएगा तो उसके पैसे हैं। हाँ तो भाई शुभम भैया आपका पीसी बन गया है, वो रखा आपका पीसी, ये रहा आपका गिफ्ट, ये भाई ने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है ये कीबोर्ड पीसी। हाँ तो वो दिखाना नहीं चाहिए, एड्रेस भी बता दिया लोगों को। हाँ वो मैं डालूंगा ही नहीं ना बिल। अच्छा बिल। हाँ चलो, अरे ये बताओ मशीन है कैसी? ये मशीन बढ़िया है, कॉन्कर 2 के साथ बनाई है, 4070 टीआई है, 790 टॉमहॉक मैक्स 5 का मदरबोर्ड लगा है, 850 वाट पावर से बनाया है, पूरा रियली तो ऑलमोस्ट बेस्ट बेस्ट मशीन है। लास्ट टाइम जो बनवाई थी उससे बहुत बेटर है, एंड ग्राफिक कार्ड 4070 टीआई लिया आपने, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई। अभी डबल ही हो जाए सब्सक्राइबर, थैंक यू। छुड़वा दो सर की मशीन, ये कुछ कुछ को। अरे ये क्या चीज़ है? ये चेयर आई है। अच्छा कितना बड़ा लग रहा है डब्बा, चेयर इतना ये बड़ा ही है उससे। 5x तो छोटा लग रहा पर ऐसे है बहुत बड़ा। कौन मैं? नहीं नहीं अच्छा सॉरी, कोई नहीं कट कर देंगे, कभी सही से खींचते ही नहीं है। बताओ ले चलो भाई अंदर, आराम करो, बड़े पाँच चाय पानी में निकलो, चाय करते ही हैं इसको सीधा, वेट नहीं होगा, पानी दे दो। चलो भाई गोली, हमें क्या पता तुम कितनी देर में आ रहे हो। लाइट जलाओ भाई लाइट, तुम लोगों को बिल्कुल गद्दी में आ जाएगा उस टेबल पे इतना बड़ा। वैसे तीन आ जाएंगे इसी के अंदर बने हुए। खोलो भाई, माल रेडी है ये यहाँ पे, अब इसको हम इसकी सील तोड़ेंगे। सील तोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो प्रोफेशनली हम नहीं तोड़ने वाले, हम तोड़ेंगे कैजुअली। ये वी आर रेस मैं बोल दूं पूरा। तो गाइस ये माल मटेरियल जो है, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर दो ला सकती हैं गाइस, पक्का आ सकती हैं, आ सकती हैं ना काट पीट के। हां इनकी आ जाएगी, इनकी पूरी आ जाएगी, फिर पैक खत्म हो जाएगा भाई। हाथ लगवा ले आके जाओ ना। क्या जरा सा भी टूटा टू हो गया ना, और तू थोड़ा रेड ऑफ पीछे जाए, यही रखूंगा क्योंकि पीसी इसी पे ही आएगा। हाँ भाई चलो जाओ 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 मोटा भाई। हाँ आराम। अरे रुक, इसको उठा के इस पे रखते हैं, फिर ऐसे सीधा खींच लेंगे, फिर तेरे में है दिमाग आपका देखेंगे, थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर इसको, हल्का सा टेढ़ा कर, हल्का सा, और इसको ऐसे कर। हाँ इसे कहते दिमाग सड़क बच्चे। ये पकड़, अरे ब्लैक बनवा लिया क्या तुमने? ब्लैक बनवा लिया? ब्लैक ही अच्छा लगा था, मतलब वाइट सोच रहा था, वाइट निकलेगा कुछ तो, ये वाइट दिख रहा है। अरे ये उल्टा है पीसी, हट हट के हटाना पड़ेगा। एक मिनट रुक,
भाई लिटाना पड़ेगा पहले इसको, तो हटाने दे सब कुछ, तो लिटा दूं ना इसको। हां लिटा दे। नहीं यार लेटने से दूर। हां कंपोनेंट वैसे हो जाएंगे ना। बढ़िया सा लग रहा है, तो रोबोट लग रहा है। भाई मेरा चश्मा तोड़ दिया तूने पक्का? नहीं नहीं यही था पता, इधर है। बढ़िया लग रहा है भाई, चला के दिखा। चला के चला तो वो कहां फेंक दिया? क्या वो रखा पीछे? चलेगा नहीं, दौड़ेगा मोटरसाइकिल सा लग रहा है ना। मोटरसाइकिल हाँ सही बात है, लग बाइक जैसे ही रहा है। अब एक चीज ये देख लेते हैं कि टाइप सी यहाँ है, यूएसबी बाकी की यहाँ से निकल जाएगी। कितना टाइम लगेगा इसमें? आधा घंटा तो लग जाएगा। आधा घंटा लग गया। गाइस अभी सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी तो कर दिया है, क्लीनिंग बाकी है और चेयर असेंबल हो रही है बाकी। अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये कैसा दिखने वाला है। तो ओके तो अभी नॉर्मली चेक करने के लिए हम कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से लॉन्च हो जाए। वहाँ की लाइट अभी नहीं जली है, उसे भी पावर दे देते हैं, तो पता नहीं पावर मिली है कि नहीं, देखते हैं। ये तो इसका बटन भी कुछ होगा ना पावर वाला। बूम भाई, ये लाइट बंद करो ना सर एक बार। ये गाइस एलईडी लाइट बंद करो ये अभी हो रहा है गाइस, चल रहा है। इधर तो हो गया गाइस सब कुछ, फॉर्मेट ही पूरा चेंज हो गया। यहाँ क्लॉक भी चलने लगी है, देख रहे हो आप लोग, ये घड़ी चल रही है। ये घड़ी लगवाई नहीं, ये घड़ी नहीं है, यह है मतलब एलईडी है ये। इस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, कस्टमाइजेबल है ये। मतलब ये जो फ़ैन है, और ये गाइस इसका फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है आप लोग देख सकते हो। ये रहा, एक सिनेमैटिक भी बना के डाल देता हूँ पूरा। गाइस पीसी तो फुल रेडी है और सब कुछ रेडी है, बट मम्मी अभी तक नहीं आई है, तो मम्मी आके वो करेंगी पूजा, तो उसके बाद ही मैं इसको चालू करूँगा और लाइव करूँगा इस पे बैठ के गाइस। तो देखते हैं कहाँ, शायद आ गई। हाँ वो हो रही, आ गई मम्मी। हाँ आ जाओ मम्मी जल्दी, पूजा करनी है। हाँ पूजा करनी है। तो मिठाई ले आओ, थोड़ी मिठाई की क्या ज़रूरत है? गुजिया ले आओ, गुजिया। हाँ गुजिया ले आओ। नहीं गुजिया की भी क्या ज़रूरत है? अरे मीठा तो होना चाहिए, कुल ले लूँ। हाँ नहीं तो गुजिया तो रखी होगी। हाँ रखी। हाँ तो गुजिया ले आओ और ठीक है ठीक है। हाँ मैं इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लाइव मैंने चालू नहीं करी। तो गाइस ये मेरा प्रॉपर रूम है, जिसमें अगर जिसे नहीं पता ये शायद मैं दिखा चुका हूँ, मेरे ख्याल से मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, वो रखे हैं इधर उधर, और ये कुछ ये फ़ोटोज़ तो आपने देखी हुई हैं, ठीक है। तो इसे कर देते हैं, बस इसके अंदर भी दिखा देता हूँ क्या क्या है। कि इसके अंदर देखो एलेक्सा का गोप्रो पड़ा हुआ है, लेके नहीं गई। और ये गाइस ये मेरा मतलब जानते हो ना तुम लोग क्या हुआ है, बस उसी का है ये, ठीक है। और इसके अंदर देखते हैं क्या है, इसके अंदर गाइस बहुत सारे पेपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, एलईडी लाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जो बिल हैं चीज़ों के। और ये मेरा नहीं है, ठीक है, अब मैं उसका नाम भी नहीं लूँगा जिसका है, वो जा चुके हैं, तो इसे मैंने साइड किया था। लेकिन ये चलो कोई नहीं, ठीक है, बस गाइस अंदाज़ा लगा लेना ये किसका है, ठीक है। वैम्पायर का भी नहीं है ना, रेडॉक्स का है,
बस अब एक बंदा बचा है, उसका तुम अंदाजा लगा लेना, उसी का है, ठीक है। तो वो जब भी आता है मेरे घर में छोड़ के चला जाता है और ये सब चीज़ें करके चला जाता है, देख रहे हो गाइस। तो ये कचरा मचा के भाई जाते हैं। ओके, मेरी पुरानी चेयर जो है वो बाहर आ गई है। ये है मंदिर, ये अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट होना बाकी है, तो काफ़ी डिजाइन इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें बस कुछ चीज़ें लगनी बाकी है जिससे ये अंदर चैनल, हाँ चैनल आ चुका है, लेकिन मिस्त्री नहीं आया है जो इसको अंदर की तरफ धकेलेगा। बाकी तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा उसने बनाया था यार। और यहाँ पे गाइज अभी हमारा मंदिर जो ये पुराना वाला है, काफ़ी टाइम से ये यहाँ पे पूजा हो रही है, ठीक है। लेकिन अब से ये काफ़ी मतलब पुराना मंदिर है, 20 साल हो गए इस मंदिर को, ये समझ लो आप। और अभी तक इसी में पूजा हो रही थी और अब उसमें करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें सेट करनी है बाकी है। और बाकी जो ये वाला एरिया है गाइस, यहाँ पे मैं कुछ टाइम में जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, अभी तो नहीं है, यहाँ पे हम बस वो ही रह गया है, सोफ़ा सेट रह गया है यहाँ पे लगवाने के लिए, और एक टेबल भी अच्छी से। ये वाला रूम आप लोगों ने, पहले मैं ये वाला अपना रूम बनाना चाहता था गाइस, लेकिन मैं बना नहीं पाया। ये वाला रूम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन एक सेकेंड, ये रूम गाइज मुझे बहुत पसंद था, इसकी लाइटनिंग और सारी चीज़ें। इसमें अगर मैं काम करवाता, ये पेंट वगैरह करवा देता ब्लैक कलर का, और इसका ऊपर का देख रहे हो एकदम अलग ही लगता है। और इसका ये भी काफ़ी बड़ा है, हैं इसमें भी शायद से मेरे ही कपड़े रखे होंगे। हाँ, इसमें भी देखो गाइज मेरे ही कपड़े हैं, और मुझे पता भी नहीं कि मेरे कपड़े हैं। और ये नए नए हैं गाइज, कोई पुराने नहीं है, ये सब नई शर्टें और नए पैंट्स हैं ये। और ये मम्मी यहाँ क्यों रखे हैं, मुझे दिखेंगे तभी तो मैं पहनूंगा। अच्छा ठीक है, तो चलो गाइस अब मम्मी ने कर ली है तैयारी पूजा की, मिठाई रखी है, मिठाई मम्मी ने घर पे ही बनाई थी, गुजिया भाई क्या टेस्टी गुजिया। क्या गाइस, ये मैं पीता हूँ याकुल्त, ताकि एक आंटी आती है याकुल्त देने के लिए। और ये तो तुम्हें नॉर्मल फ्रिज में दिख ही जाएगा, है ना। ओहो, ये सड़ा हुआ नींबू, ये तो बहुत वायरल होता है यार। ये नींबू तो हर फ्रिज में ऐसे मिलता ही मिलता है, एक सड़ा हुआ नींबू। ये है गाइस किचन, तो किचन में कुछ दिक्कत थी तो हमने ये शीशा लगवाया है, ताकि ये जब मम्मी खाना बना रही हो तो मतलब अगर मम्मी फटे तो अकेली फटे। कोई पर्दे वाला आ जाए तो अपना कर दो वैसे। हाँ, ये कैसी, अच्छा ये तो वो वाली बहुत टेस्टी मिठाई है, चलो आ जाओ चलो। ठीक है, हाँ ये रही ना, ये लो। क्या, हाँ जलाओ ना, पूजा करनी है तुम्हें, करनी है मेरे को क्या पता, मेरे को इतना ही है, कल होती तो फिर तुम्हें क्या बन गया होगा। ये कहाँ गई हो, सर पर डाल रही हूँ उसको। किसको, नंगे सर नहीं करते ना। अच्छा नंगे सर, सर में तो बाल हैं लेकिन तुम्हारे, कोई बात नहीं। हाँ चेयर की भी कर देना बेचारी की, कई चेयर बताना कैसी है, ठीक है। मैंने पन्नी उखाड़ दी है ऊपर की, लेकिन नीचे की नहीं उखाड़ी है। क्यों उखाड़ी है? अरे वो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैंने नीचे की, लेकिन फिर भी नहीं उखाड़ी। सबसे पहले तो कुर्सी की करूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन इसमें लाल टीका लगाओगी तो, रुको मैं इसे नहीं ना, इसे लक्सर के ऊपर कहीं, ऊपर कहीं, यहाँ कहीं लगा दो। हाँ थोड़ा सा लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, हेड तो इसका। हाँ बस ठीक है, मिठाई ये खा लेगा, हैं खिलाओ इसे मिठाई। सबसे पहले तो कुर्सी की करनी चाहिए ना पूजा, बाद में सामान भी, चाहे तो कितना भी महंगा हो। कसम से, वैसे एक बात मैं बताऊं, इसने बहुत साथ दिया, लेकिन इसकी हमने पता नहीं पूजा की थी कि नहीं। उस टाइम हम इतना थके थे, जिन्होंने ब्लॉग देखा होगा कि उस टाइम इतना दिमाग में ही नहीं था कि पूजा भी करनी होती है, लेकिन अब थोड़ी सी अकल आ रही है मेरे को, तो हम पूजा करवा रहे हैं। और ये हो गया है, टीका लग गया है। हाँ
एल जी अल्ट्रा गेयर मोनिटर गाइज, ये मोनिटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये हमारे पास एक फ़ोन भी आया हुआ है, इसकी भी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता। दूसरा फ़ोन मिला क्या? हाँ आज ही तो आया है। अब तुम अपने हाथों से मम्मी चालू करो इसको। कहाँ से खुलेगी? और अब तुम यहाँ पे एक बटन होगा मम्मी, ये चली देखो बढ़िया सी। अब पूरी तो जली नहीं। हाँ अब जली। अभी सारे इसकी भी पन्नी हटानी है, हटा दो। मत हटाओ ना। नहीं हटाऊं ना, ना, ये ना, क्लियर ना। नहीं दिख रहा ना, देखो ये क्लियर तो मैं फोटो खींचनी है ना, तो फोटो खींच लो। ये देखो मेरा लोगो आ रहा है, वो देखो मेरे चैनल का। हाँ, आ रहा है। यहाँ मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, एलसीडी है, कोई वीडियो भी चला सकता हूँ, कुछ भी है, एक्स वाई जेड है ना। हाँ कुछ भी। और ये हमारा सेटअप रेडी। तो चलो गाइस चलते हैं स्ट्रीम के लिए। चलो थैंक यू। मिठाई तो खाओ, इनको खिलाओ ना, सब बच्चों खाओ। हाँ सारे बच्चों को, सारे बच्चों को। हाँ खिला दो सारे बच्चों को मिठाई, खिला दो। हाँ और ये इधर इधर कैमरे में खिलाना पड़ेगा सारे बच्चों को मिठाई ऐसे करके। ये खाली। हाँ सबको आशीर्वाद दे दो। हाँ सारे बच्चों को आशीर्वाद। मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे को, सारे बच्चों को। मेरे तो सारे बच्चे हैं भाई। हाँ ठीक लो आप इसको तुम खा लो, तुम सबके बदले खा लो। अच्छा खाइए। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। ये क्या है, 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 ये गाइस एक चीज अभी रह गई है हमारी। ये माइक ने बहुत साथ दिया है लेकिन अब ये माइक लंगड़ा हो गया है, तो इसको मैंने नॉर्मली एक स्टैंड लकड़ी के उस पे रखा हुआ है ताकि ये सही लगे। और गाइस सबसे बढ़िया चीज, ये चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये देखो गाइस ये भी एलईडी है फुल एकदम आरजीबी। ये चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से बटन से, हम कलर्स चेंज कर सकते हैं कोई भी, आप बताना कौन सा सही है। ये ग्रीन, ये गाइस ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और इसमें भी है तो इसमें भी चेंज कर सकते हैं हम कुछ भी। ये हेडफोन के लिए चार्जिंग वगैरह स्टैंड है, तो ये भी हम कर रहे हैं। अब मैं बैक से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। जैसे मम्मी तो कह रही थी कि मोटरसाइकिल उठा लाया और टायर नहीं है। ये थोड़ा अब करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट। और ये हमने ऐसे ही नॉर्मल रखा हुआ है, इसको सेट करेंगे इसको भी। ठीक है बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, लव यू, बाय।